ये बीजेपी ने बीज बोया है तो वही संभाले अब। ये बीजेपी ने बीज बोया है तो वही संभाले अब। हरियाणा चुनाव से ठीक पहले किसान आंदोलन को बांग्लादेश प्रदर्शन से जोड़कर विवादित बयान देना कंगना रनौत के लिए भारी पड़ गया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंगना को जमकर फटकार लगी। हाल ही में कंगना ने एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान किसान आंदोलन को बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शन के साथ जोड़ते हुए विवादित बयान दे दिए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी कंगना के इस बयान से किनारा करती दिखी। पार्टी ने कंगना को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है, भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वे इस बयान के लिए अधिकृत है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार का कोई बयान भविष्य में न दे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। अब कंगना के इस हालिया बयान के बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पार्टी से निकाल ली और किसानों से माफी मांगने तक की बात कही है। इस देश में, आजाद हिंदुस्तान में अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा पहले कभी नहीं कहा गया है। ये बीजेपी की सांसद है, नेतृत्व के बहुत चुनी हुई है और उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ये कह के पलड़ा बिल्कुल नहीं झाड़ सकती है कि ये हमारा मत नहीं है, ये उनका वक्तव्य है। अगर कोई आपकी पार्टी में ऐसी कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है तो उसको निकाल बाहर करिए। ये मैं कभी होता है मैं हृदय से नहीं माफ कर पाऊंगा, ये हमारा वक्तव्य नहीं, ये नहीं चलेगा। या तो निकाल बाहर करिए, उनसे हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए देश के किसानों पे। तो वही मुमताज पटेल कंगना को बीजेपी के लिए सरदर्दी करार दे दिया है। बीजेपी को शायद ये समझ नहीं थी जब उन्होंने कंगना जी को टिकट दी, पर आगे आगे देखिए उनकी सरदर्दी कैसे बढ़ाती है। उनको आदत है फालतू बयानबाजी करने की, और इस तरह का इनसेंसिटिव स्टेटमेंट खास करके हमारे देश के किसानों के लिए जो सड़क पे उतरे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको इतनी इनसेंसिटिवली लेना और उसके बारे में इतनी लूजली बात करना, तो ये बिल्कुल शर्मनाक बात है। पर ये बीजेपी ने बीज बोया है तो वही संभाले अब। इस मामले में कांग्रेस नेता दानिश अली ने कहा है कि बीजेपी और बीजेपी के नेता अपनी संतुलन खो बैठे हैं और कंगना के निष्कासन तक की बात कही है। भाजपा आजकल अपना संतुलन खो बैठी है, पार्टी भी और पार्टी के नेता भी। अगर बीजेपी उनके बयान से सहमत नहीं है, अगर बीजेपी जिस तरीके का आरोप कंगना रनौत ने इस देश के किसानों पर लगाया है, बीजेपी को उस माफी ही नहीं मांगनी चाहिए, कंगना रनौत को बीजेपी से निष्कासित करना चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में, इस देश के किसानों के बारे में शर्म आनी चाहिए कंगना रनौत को और भारतीय जनता पार्टी को। देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ेगी। आपको बता दें कंगना रनौत लगातार अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं।